नमो नमः।
लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णुप्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णुप्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णुप्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णुप्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णुप्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णुप्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णुप्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णुप्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णुप्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः
విష్ణు ప్రియాయై నమో నమః ధన ప్రదాయై నమో నమః జగత్ జనన్యై నమో నమః లక్ష్మ్యై నమో నమః విష్ణు ప్రియాయై నమో నమః ధన ప్రదాయై నమో నమః జగత్ జనన్యై నమో నమః లక్ష్మ్యై నమో నమః విష్ణు ప్రియాయై నమో నమః ధన ప్రదాయై నమో నమః జగత్ జనన్యై నమో నమః లక్ష్మ్యై నమో నమః విష్ణు ప్రియాయై నమో నమః ధన ప్రదాయై నమో నమః జగత్ జనన్యై నమో నమః లక్ష్మ్యై నమో నమః విష్ణు ప్రియాయై నమో నమః ధన ప్రదాయై నమో నమః జగత్ జనన్యై నమో నమః లక్ష్మ్యై నమో నమః విష్ణు ప్రియాయై నమో నమః ధన ప్రదాయై నమో నమః జగత్ జనన్యై నమో నమః లక్ష్మ్యై నమో నమః విష్ణు ప్రియాయై నమో నమః ధన ప్రదాయై నమో నమః జగత్ జనన్యై నమో నమః లక్ష్మ్యై నమో నమః విష్ణు ప్రియాయై నమో నమః ధన ప్రదాయై నమో నమః జగత్ జనన్యై నమో నమః లక్ష్మ్యై నమో నమః విష్ణు ప్రియాయై నమో నమః ధన ప్రదాయై నమో నమః జగత్ జనన్యై నమో నమః లక్ష్మ్యై నమో నమః విష్ణు ప్రియాయై నమో నమః ధన ప్రదాయై నమో నమః జగత్ జనన్యై నమో నమః
महालक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः महालक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः
जगत जनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः, धन प्रदायै नमो नमः, जगत जनन्यै नमो नमः। महालक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः, धन प्रदायै नमो नमः, जगत जनन्यै नमो नमः। महालक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः, धन प्रदायै नमो नमः, जगत जनन्यै नमो नमः। महालक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः, धन प्रदायै नमो नमः, जगत जनन्यै नमो नमः। महालक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः, धन प्रदायै नमो नमः, जगत जनन्यै नमो नमः। महालक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः, धन प्रदायै नमो नमः, जगत जनन्यै नमो नमः। महालक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः, धन प्रदायै नमो नमः, जगत जनन्यै नमो नमः। महालक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः, धन प्रदायै नमो नमः, जगत जनन्यै नमो नमः। महालक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णु प्रियायै
नमो नमः धन प्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः महालक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धन प्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः महालक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धन प्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः महालक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धन प्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः महालक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धन प्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः महालक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धन प्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः महालक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धन प्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः महालक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धन प्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः महालक्ष्म्यै नमो नमः विष्णु प्रियायै नमो नमः धन प्रदायै नमो नमः जगत जनन्यै नमो नमः तेरी आराधना है करनी मां लक्ष्मी विरघ
करोगी तुम
संकट सभी हरोगी तुम और भंडार भरोगी तुम। माँ लक्ष्मी मेरे घर आई, ज्ञान प्रकाश करोगी तुम, संकट सभी हरोगी तुम और भंडार भरोगी तुम। माँ लक्ष्मी मेरे घर आई, जैसी हो पावन मंदिर वैसी सजाया मैंने घर, श्री गणेश को संग लेकर माता बड़ी उपकारी हो। माँ लक्ष्मी मेरे घर आई, बस एक दया तुम्हारी हो, हल मुश्किल फिर सारी हो, माता बड़ी उपकारी हो। माँ लक्ष्मी मेरे घर आई, तुम तो बड़ी ही दयानिधा, तुमसे ही मेरा है सम्मान, करती हूँ मैं तेरा आवाहन। माँ लक्ष्मी मेरे घर आई, तुम तो बड़ी ही दयानिधान, तुमसे ही मेरा सम्मान, करती हूँ मैं तेरा आवाहन। माँ लक्ष्मी मेरे घर आई, माँ तेरा उपकार है तब जीवन साकार है, वंदन बारंबार है। माँ लक्ष्मी मेरे घर आई, माँ तेरा उपकार है तब जीवन साकार है, वंदन बारंबार है। माँ लक्ष्मी मेरे घर आई, बस अब कमी तुम्हारी है, अब की मेरी बारी है। माँ लक्ष्मी मेरे घर आई, की पूरी तैयारी है, बस अब कमी तुम्हारी है, अब की मेरी बारी है। माँ लक्ष्मी मेरे घर आई, ऐसी ना मैं मानूंगी, माता तुम्हें मना लूंगी, आशीर्वाद मैं पालूंगी। माँ लक्ष्मी मेरे घर आई, ऐसी ना मैं मानूंगी, माता तुम्हें मना लूंगी, आशीर्वाद मैं पालूंगी। माँ लक्ष्मी मेरे घर आई, माता तेरे चरणों वंदन, अब तो विनती मेरी सुन। माँ लक्ष्मी मेरे घर आई, करता हंस राज रिलहन, माता तेरे चरणों वंदन, अब तो विनती मेरी सुन। माँ लक्ष्मी मेरे घर आई, हो जी सुरेश यही चाहे, सब पर कृपा बरसाई, दर्शन तेरे हो जाए। माँ लक्ष्मी मेरे घर आई, फौज सुरेश यही चाहे, सब पर कृपा बरसाई।
की तुम बिछाओगी, जो पल की तुम बिछाओगी, दरस तुमको दिखाएगी। सजा दो घर को गुलशन सा, माँ लक्ष्मी आज
भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन्वंतरि और माँ लक्ष्मी को आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम धनतेरस की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन्वंतरि और माँ लक्ष्मी को आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न, होता परिवार है संपन्न। जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न, होता परिवार है संपन्न। प्रिय भक्त जनों, आज हम आपको धनतेरस की पावन कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, आज धनतेरस के पावन अवसर पर भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान होता है। इसके साथ ही हम आपको बताने की चेष्टा करेंगे कि इस दिन नए बर्तन, गहने अथवा वाहन खरीदना क्यों शुभ माना जाता है। मंथन किया है, सबसे पहले कालकूट विष मंथन से निकला है। कालकूट विष की अग्नि तो सबको ही झुलसाए, सभी देवता भोलेनाथ की शरण में फिर तो आए। भोले इसे धारण कर लो, देवों ने विनती की है। देवों की विनती भोले को पड़ी माननी है। अपने कंठ में कालकूट विष को धारण किया है, जिसके कारण नीलकंठ भोले का नाम हुआ है। नीलकंठ इस कारण ही भोले कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन्वंतरि और माँ लक्ष्मी को आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न, होता परिवार है संपन्न। जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न, होता परिवार है संपन्न। प्रिय भक्त जनों, धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग ऐश्वर्य धन और वैभव आदि से हीन हो गया। तब सभी देवता विष्णु जी के पास आए।
भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर सागर मंथन करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि सागर मंथन से अमृत निकलेगा, जिससे ग्रहण करके तुम अमर और बलशाली हो जाओगे। यह बात देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई। तब वो भी अमृत पाने की लालसा में सागर मंथन को तैयार हो गए। तब दैत्यों और देवों ने मिलकर सागर मंथन किया, किंतु सर्वप्रथम सागर मंथन से कालकूट नामक विष निकला, जिसे भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया। फिर सागर मंथन से निकली कामधेनु है गाय। कामधेनु तो ब्रह्मा ऋषियों के हिस्से में आए। उच्च स्रव नामक घोड़ा फिर तो निकला है। दैत्य राज बलि ने फिर उस घोड़े को ले लिया है। फिर तो मंथन से भक्तों ऐरावत हाथी निकला। देवराज इंदर ने जिसको अपने पास रखा। कौस्तुभ नामक मणि भक्तों फिर निकल के आई है, जो कि स्वयं विष्णु जी के हृदय में समाई है। कल्पतरु नामक वृक्ष निकला फिर तो बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी को आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न होता परिवार है संपन्न। जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न होता परिवार है संपन्न। प्रिय भक्त जनों, कल्पतरु नामक वृक्ष को देवताओं ने स्वर्ग में लगाया। इसके पश्चात रंभा नामक अप्सरा निकली, जो कि देवराज इंद्र की सभा में नृत्यकी बनी। इसके पश्चात सागर मंथन से देवी लक्ष्मी आई। इस रत्न को देवता ऋषि मुनि और दानव सभी अपने पास रखना चाहते थे, किंतु लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के पास रहना स्वीकार किया। तत्पश्चात वारुणी निकली, जिसे दानवों ने ग्रहण किया। तत्पश्चात चंद्रमा नामक रत्न निकला, जिसे भोलेनाथ ने मस्तक पर धारण किया। इसके पश्चात पारिजात नामक वृक्ष निकला, जिसे देवताओं ने ग्रहण किया। पारिजात के पश्चात पांच जन्य नामक शंकर निकला, जिसे विष्णु जी ने अपने पास रखा। तत्पश्चात भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर आए थे। अमृत पूर्ण लेके कलश जो धन्वंतरी जी आए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है बताए। स्वर्ण कलश हाथों में उनके, जिसमें अमृत था। देव दैत्य दोनों को ही अमृत पाने की चाह। अमृत पाने की चाहत में फिर से द्वंद हुआ। विष्णु जी ने मोहिनी रूप है अपना बना लिया। मोहिनी रूप को देख दैत्य तो सब भरमाते हैं। अमृत सारा विष्णु जी देवों को पिलाते हैं। धन्वंतरी भगवान ही तो अमृत को लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी को आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न होता परिवार है संपन्न। जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न होता परिवार है संपन्न। प्रिय भक्त जनों, क्योंकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में स्वर्ण कलश लिए हुए आए थे, इसी कारण इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। क्योंकि कलश स्वर्ण का था, तो सोने के गहने खरीदने की परंपरा बन गई। प्रिय भक्तों, कहते
कहते हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, जिसे धनतेरस के नाम से जाना जाता है। इस दिन कोई भी वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसी कारण लोग गहने वाहन खरीदना शुभ मानते हैं। प्रिय भक्तों, धनतेरस की एक और पौराणिक कथा है, आइए उसका भी श्रवण करते हैं। एक बार विष्णु जी विचरण करने धरा पे आए और माता लक्ष्मी को भी अपने संग में बुलाए। धरती पर आकर के दोनों लगे हैं विचरण करने, कहीं पर्वत है ऊंचे ऊंचे जिनसे बहते झरने। गंगा यमुना सरयू की बहती है पावन धारा, विष्णु जी और लक्ष्मी जी ने देखा जब नजारा। ऋषि मुनि कर वन में तपस्या हरि भक्ति में लीन, कोई धनाढ्य सेठ बड़ा ही और कोई है दीन। मथुरा काशी और अयोध्या भी वो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी को आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न होता परिवार संपन्न, जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न होता परिवार संपन्न। प्रिय भक्तजनों, माता लक्ष्मी और विष्णु जी ने प्रायः सभी पावन तीर्थ स्थानों पर विचरण किया और उन्होंने अपने भक्तों को भक्ति में लीन पाया। कोई व्यापारी, कोई किसान, कोई राजा तथा कोई भिखारी, उन्होंने हर प्रकार के लोगों का हाल जाना। फिर वो एक जगह जाकर विश्राम करने लगे। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, तुम यहीं विश्राम करो, हम अभी दक्षिण दिशा की ओर विचरण करके आते हैं, तब तक तुम यहीं रुककर हमारी प्रतीक्षा करना। दक्षिण दिशा की ओर फिर तो विष्णु चले गए और माता लक्ष्मी को उसी स्थान पे छोड़ गए। माता लक्ष्मी के मन में फिर हुई है जिज्ञासा, ना जाने इस दक्षिण दिशा में होगा क्या ऐसा। विष्णु जी ने मुझको क्यों रुकने के लिए कहा है, जाकर देखूं दक्षिण दिशा में आखिर ऐसा क्या है। माता लक्ष्मी उसी और भक्तों फिर तो चलती है, देखा एक किसान ने की सरसों की खेती है। पीले फूल सरसों के माँ को बड़े ही भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी को आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न होता परिवार संपन्न, जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न होता परिवार संपन्न। प्रिय भक्तजनों, आगे चलकर माता लक्ष्मी को एक किसान के गन्ने का खेत दिखाई दिया। माता लक्ष्मी वहां से गन्ना तोड़कर चूसने लगी। माता लक्ष्मी गन्ना चूस ही रही थी कि इतने में विष्णु जी लौट आए और माता लक्ष्मी से कहने लगे, तुमने बिना आज्ञा के ही इस किसान के खेत से सरसों के फूल तोड़ लिए और गन्ना भी चूस लिया, अतः तुम 12 वर्षों तक इसकी सेवा करो, इसके पश्चात ही तुम क्षीर सागर लौटना। इतना कहकर विष्णु जी अकेले ही क्षीर सागर की ओर चले गए। विष्णु जी तो उन्हें छोड़ कर गए क्षीर सागर और माता लक्ष्मी चली आई उसी किसान के घर, क्योंकि विष्णु जी ने है माँ
लक्ष्मी से कहा, 12 बरसों तक किसान की करनी है सेवा। किसान की पत्नी से एक दिन माँ लक्ष्मी ने कहा है, स्नान करके माता लक्ष्मी की करनी पूजा है। और रसोई बना के माँ लक्ष्मी को भोग लगाना, मुँह मांगा पर माता लक्ष्मी से फिर तो तुम पाना। कृपा करेंगी तो भंडारे भर ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी को आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न होता परिवार है संपन्न, जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न होता परिवार है संपन्न। प्रिय भक्त जनों, विष्णु जी के वचना अनुसार माता लक्ष्मी किसान के घर आकर उनकी सेवा करने लगी। एक दिन किसान की पत्नी से उन्होंने कहा कि तुम स्नान करके रसोई बनाकर पहले माता लक्ष्मी की पूजा करो। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। उसी दिन से किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। जो किसान कुछ दिन पूर्व निर्धन था, अब वो बड़ा जमींदार बन गया, क्योंकि स्वयं माता लक्ष्मी का उस किसान के घर में वास हो गया था। किसान के घर में माँ लक्ष्मी के जब से चरण पड़े हैं, निर्धनता हुई दूर, बन गए जमींदार तो बड़े हैं। अन्न और धन की अब तो घर में कमी नहीं है, साक्षात महालक्ष्मी क्योंकि घर में आ गई है। 12 बरसों तक किसान की माता ने की सेवा, धीरे धीरे समय वो लेकिन आखिर बीत गया। 12 बरसों के पश्चात ही विष्णु जी आए, माता लक्ष्मी को वह अपने साथ ले जाना चाहे। माता लक्ष्मी न जाए, किसान तो यही चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी को आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न होता परिवार है संपन्न, जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न होता परिवार है संपन्न। प्रिय भक्त जनों, 12 वर्षों के पश्चात जब माता लक्ष्मी को लेने विष्णु जी आए, तो किसान और उसकी पत्नी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हे विष्णु जी, हम पर दया करें और माता लक्ष्मी को हमारे घर में निवास करने की आज्ञा दें। तब विष्णु जी कहने लगे, ये तो मेरे आदेश से 12 वर्षों तक आपके घर में रही थी, वरना ये चंचला है, एक स्थान पर कदापि नहीं रहती। विष्णु जी की बात सुनकर किसान और उसकी पत्नी बड़े दुखित हुए, जिन्हें देखकर माता लक्ष्मी कहने लगी, मेरे बताए हुए उपाय से मैं तुम्हारे घर में सदैव निवास करूंगी, किंतु अदृश्य रूप से रहूंगी। और फिर माता लक्ष्मी ने किसान को एक उपाय बताया। किसान और उसकी पत्नी को माँ ने विधि बताई, धनतेरस के दिन करना तुम घर की साफ सफाई। पूजा घर में चित्र स्थापित मेरा कर लेना, कुबेर और धनवंतर चित्र भी साथ में चाहिए रहना। करना पूजा पाठ और एक घी का है दीप जलाना, स्वेत मिठाई का ही पहले कुबेर को भोग लगाना। और धनवंतर के लिए उत्तम होती पीली मिठाई, पीले पुष्प मुझे करना अर्पित जिनसे तेरे घर आई। किसान ध्यान से उनकी बातें सुनते जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं, धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी को आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न होता परिवार है संपन्न, जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न होता परिवार है संपन्न। प्रिय भक्तजनों, माता लक्ष्मी ने कहा कि मुझे पीले पुष्प बड़े ही प्रिय होते हैं, तुम्हारे खेत से पीले सरसों के फूलों से आकर्षित होने के कारण ही मुझे 12 वर्षों तक तुम्हारे घर रहना पड़ा, अतः मुझे पीले पुष्प ही अर्पित करना। मेरे आगमन के लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जला कर रखना, जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी तो मेरे पद चिन्ह तुम्हें दिखाई पड़ जाएंगे। प्रिय भक्तों, आज भी माता लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाने की परंपरा तभी से चली आ रही है। प्रिय भक्तों, धनतेरस के दिन घर में यम के लिए भी दीपक जलाकर रखने की परंपरा है, इसके विषय में भी एक पौराणिक कथा है, तो भक्तजनों आइए सुनते हैं। यमदूतों से यमराज लगे हैं पूछने, प्रश्न आज जाने क्यों आया है मेरे मन में। मेरे प्रश्न का उत्तर तुम तो सच सच ही देना, काम तुम्हारा है जीवों के प्राणों को हर लेना। क्या कोई ऐसा दिन आया जब दया तुम्हें आई हो, प्रश्न मेरा है जिसका उत्तर आज बता ही दो। कहने लगे यमदूत प्रश्न महाराज ये कैसा है, जानते हो कि हम आदेश मानते आप कहें, आप जो आज्ञा देते हो हम उसको लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी को आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न होता परिवार है संपन्न, जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न होता परिवार है संपन्न। प्रिय भक्तजनों, यमराज का प्रश्न सुनकर यमदूत कहने लगे, महाराज ये कैसा प्रश्न है, हम तो केवल आपकी आज्ञा पालन करते हैं, फिर भी आपने पूछ ही लिया तो। हमारे साथ एक बार ऐसा हुआ था, जब किसी मानव के प्राण हरते समय हमारा हृदय भी द्रवित हो गया था। एक बार की बात है, हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वो रास्ता भटक कर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। वहां हेमा नामक राजा का राज था, अपने पड़ोसी राजा का उसने बड़ा ही आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया था। राजा हंस के आगमन को राजा हेमा ने इसलिए भी बड़ा शुभ माना। जिस दिन राजा हंस राज्य में हेमा के आया है, पुत्र रत्न राजा हेमा ने उस दिन ही पाया है। जिसके कारण आई महल में खुशियों की है बहार, राजा हंस का किया हेमा ने बड़ा आदर सत्कार। देख आतिथ्य राजा हंस भी प्रसन्न बने हुए हैं, राजा हंस और राजा हेमा मित्र बन गए हैं। राजा हंस ने अपने मित्र को पुत्र की दी है बधाई, दोनों राजाओं ने मिलकर खुशियां खूब मनाई। राजा हंस फिर अपने राज्य में लौट के आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी को आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न होता परिवार है संपन्न, जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न होता परिवार है संपन्न। प्रिय
भक्त जनों, यमदूत यमराज से कहने लगे कि हे महाराज, राजा हंस तो अपने राज्य में लौट गए और राजा हेमा की नगरी में पुत्र प्राप्ति पर बड़ा ही उत्सव जैसा माहौल था, किंतु ज्योतिषियों ने जैसे ही राजा हेमा के पुत्र के ग्रह नक्षत्र देखे तो बताया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन पश्चात ही मृत्यु हो जाएगी, जिसे सुनकर राजा हेमा बड़े ही चिंतित हुए और उन्होंने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई तक यहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए। राजा हेमा के आदेश पर मंत्रियों ने उन्हें अनेकों वर्षों तक गुफा में रखा, किंतु विधि के विधान के अनुसार एक दिन राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर आई और जब उसने राजा हेमा के पुत्र को देखा तो दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और 4 दिन पश्चात ही आपके आदेश अनुसार हमें उसे लाना पड़ा, किंतु नवविवाहिता की करुण पुकार सुनकर हमारा हृदय द्रवित हो गया। उनकी बात सुनकर यमराज कहने लगे, विधि के विधान को तो मैं भी नहीं बदल सकता। तब यमदूतों ने यमराज से कहा कि हे महाराज, क्या कोई ऐसी युक्ति है जिससे अकाल मृत्यु टाली जाए? ऐसी कोई युक्ति हो तो हमको आप बताएं, अकाल मृत्यु का भय जिसके कारण टाला जाए। इतना सुनकर यमदूतों से कहने लगे यमराज, ऐसा एक उपाय है जो तुम्हें बताऊंगा। धनतेरस के दिन जो भी मेरे नाम का दीप जलाए, अकाल मृत्यु दीप दान करने से कभी ना आए। धनतेरस को यम दीपक है तभी जलाया जाता, अकाल मृत्यु का भय उन भक्तों को नहीं सताता। इसीलिए तो यम दीपक भी घर में जलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी को आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न, होता परिवार है संपन्न। जब माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न, होता परिवार है संपन्न। प्रिय भक्तजनों, धनतेरस की यही पौराणिक कथाएं हैं जो हमने वर्णन करने की चेष्टा की है। पूजा पाठ करने के पश्चात इन कथाओं का श्रवण करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। कथाओं को सुनने से माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर की कृपा सदैव बनी रहती है तथा अकाल मृत्यु का भय भी टल जाता है। आशा करते हैं इन कथाओं को सुनकर आप भी माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की कृपा प्राप्त करेंगे। धनतेरस पर माता लक्ष्मी भक्तों के घर आए, साथ ही धन्वंतरी कुबेर को भी माँ अपने लाए। विधि विधान से करते हैं जो भक्तों इनका पूजन, उन भक्तों के घर में भरा रहे सदा अन्न और धन। श्रद्धा भाव से पूजा करता हंस राज रलहन, दियस पालन धनतेरस की कथा का कर दिया वर्णन। फौज सुरेश पे माता लक्ष्मी कृपा बनाए रखना, तब होगा साकार हे माता जो है मेरा सपना। कृपा आपकी सब पर ही हो हम ये चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी को आज मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब